अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्रास मेहंदी डिज़ाइन। होप यू ऑल फाइन। और आज जो है मेहंदी से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं है, आज है सिग्नेचर ब्राइडल मेकअप ओज ब्यूटी पार्लर मेकअवर की पिक्चर्स मैंने कम्युनिटी टैब में अपलोड किया था कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं वीडियो ट्यूटोरियल देखने में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे तब मैं जाके ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ये हमारी मॉडल है भी बहुत खूबसूरत। सबसे पहले आप एक क्रायलोन स्टिक लेंगे, मैंने क्रायलोन स्टिक लिया है ऑरेंज स्टिक, और जहाँ पर थोड़ी डार्कनेस है, डार्क सर्कल है, वहाँ वहाँ मैं अप्लाई करूँगी, लाइक लिप के साइड पर, आई लिड पर। और इससे बेनिफिट ये है कि आपका जो बेस है वो ग्रे नहीं होगा। इसके अलावा आप प्रो कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, जो ऑरेंज प्रो कंसीलर होता है, और पिंपल्स के लिए आप ग्रीन प्रो कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ मुझे नीड थी वहाँ वहाँ मैंने ऑरेंज स्टिक यूज़ कर लिया है। तो आप भी अपने क्लाइंट के ऊपर देख के आप ये काम कर सकते हैं। मोस्टली मैं फिंगर टिप के थ्रू थोड़ी ब्लेंडिंग कर रही हूँ, क्योंकि आपकी फिंगर टिप की ब्लड सर्कुलेशन और आपकी स्किन की सर्कुलेशन की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होने से ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे मैं क्रायलोन के स्टिक ले रही हूँ 38 नंबर। ख्याल रहे कि जिस टोन में आपके स्किन है 1 टोन लाइट आपको मेकअप करना है, ताकि ब्लश ऑन और ऑक्सीडाइज होने के बाद आपका कलर टोन वही रहे। मैंने यहाँ पे क्रायलोन का W1 स्टिक लिया है, जहाँ पे चीन, नोज़ और फोरहेड पे अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ जहाँ पे हाईलाइट होता है, ताकि आपके जो बेस है दोनों मिलके एक अच्छा कलर दें। और आप ये बेस देख के डरे नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ड्रॉने फेस हो जाता है मेकअप में, लेकिन जब कंप्लीट मेकअप हो जाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। स्टार्टिंग में आपने देख भी लिया होगा। और यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर मैंने काशी का यूज़ किया है, तो आप कोई से भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि आप कौन सा। बस ये ख्याल रहे कि आपका हैंड जो है बहुत लाइट प्रेशर अप्लाई हो और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो, वरना तो इससे कि आपकी ब्लेंडिंग भी सही नहीं होगी और आपका बेस भी सही नहीं बनेगा। आप कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर, और ये जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये नॉर्मल है, आपको ईच 50 रुपीज़ की बहुत मुश्किल से मिल जाएगी। ये 50 रुपीज़ का आपका पफ है, एग शेप में है, जो हर जगह ये अवेलेबल है। किसी भी कॉस्मेटिक शॉप में आप चल जाएंगे तो आपको बहुत इजली मिल जाएगा। और स्टिक मैं तकरीबन इसी पफ से यूज़ करती हूँ, और जो बेस मैं बनाती हूँ वो मैं कोई अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर लेती हूँ। आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टिक को ब्लेंड करने के बाद अपने फिंगर टिप से भी ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि सबका अलग अलग मेथड होता है, मेरा अपना अलग मेथड है, तो जिस तरह मैं करती हूँ मैं आपसे उसी तरह शेयर कर रही हूँ। बस ख्याल रहे कि आपकी जो प्रेशर टिप्स हैं आपकी, चाहे वो हैंड की हो या तो फिंगर टिप्स हो, तो उसकी प्रेशर बहुत ज़्यादा लाइट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रब कर कर के मिक्स कर रहे हैं, तो इस तरह आपकी बेस जो है सही नहीं बनती है। ये हमारे मॉडल मेकअप कंप्लीट होने के बाद काफ़ी शूटिंग भी हुई है, और सनलाइट के सामने भी बहुत ज़्यादा टिकटॉक भी बनाया है, बहुत ज़्यादा शूटिंग हुई, पिक्चर्स वगैरह लिए, लेकिन बेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो आपकी मेन चीज़ ये कि ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्टिक जो हमने लगाए, हम इसे प्राइमरी बेस कहते हैं, जो आपका फर्स्ट लेयर होता है। इसके बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन मिस्बा मुसर्रत की, तो ये हमारा सेकेंडरी बेस होता है। तो मैं नेक पे भी इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं मिस्बा मुसर्रत की फाउंडेशन ले रही हूँ आइवरी, और इसे ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि 1 टोन लाइट लेना है जो भी स्किन का है, ताकि आपके ब्लश लगने के बाद और ऑक्सीडाइज होने के बाद आपके कलर टोन थोड़ा सा ब्राइटनेस आए। तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं तो आप लाइट रख लें, जो हमने स्टिक में 1W लगाया था वो नहीं लगाएं। ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू मैं इससे टैप टैप कर रही हूँ, इसे रफ नहीं करना है, वरना आपका बेस एक जगह से दूसरे जगह में आ जाएगा और आपकी ब्लेंडिंग सही नहीं होगी, जिस वजह से आपका बेस बाद में क्रैक आ जाएगा। तो इसमें आपका ख्याल रखना है, ब्लेंडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस बनाने में। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि मैं और भी मेकअप ट्यूटोरियल्स शेयर करूँ, लाइक इंगेजमेंट, वलीमा मेकअप, तो मुझे लाजमी बताएं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, आप लोग का इंटरेस्ट देख के मैं वीडियो आपसे शेयर करूँगी। और जिसने मुझे न्यू ज्वाइन किए हैं, और जैसे कि आप लोग फ्रास मेहंदी डिज़ाइन के नेम से मुझे जानते हैं, तो मुझे और ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया है मेकअप से रिलेटेड। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं शेयर करूँगी, वरना तो मैं क्या, आप मुझे आइडिया दें कि मैं न्यू चैनल बनाऊँ या नहीं, या मेकअप की दूसरा चैनल बना लूँ, या इसी में अपलोड कर लूँ, तो काइंडली मुझे प्रेफर करें कि मैं क्या करूँ।
आईज की लोअर साइड पे मैं अगेन आइवरी मिसवा मसरट के फाउंडेशन लेके इसे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि आपकी जो लोअर साइड के डार्क सर्कल हैं वो हिडन हो जाए। और मिसवा मसरट के फाउंडेशन बहुत अच्छा है, इसके अलावा आप मैक के भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, क्रायलोन भी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस, बहुत अच्छी बनती है। आप देख रहे हैं कि ये वीडियो मैं फास्ट भी की हुई हूँ ताकि आपका भी थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं हो, जहाँ जहाँ मुझे स्लो करना होगा मैं वहाँ पर स्लो भी कर लूँगी, लाइक मैं जब लाइनर लगाऊँगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत सी लड़कियाँ पूछेंगे कि लाइनर आप इस तरह लगा रही हैं बहुत फास्ट है। तो और यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, तो आप कोई से भी कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, एसटी का भी यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टन का भी मैंने यूज़ किया है, बहुत अच्छा है, क्रायलोन का भी बहुत अच्छा है लूज़ पाउडर, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं टैप टैप करके लगा रही हूँ और ये आपका बेस लॉक हो जाएगा, यहाँ पर आपका बेस कम्प्लीट बन जाएगा। मुझे इनका बेस थोड़ा पिंकिश टोन में बनाना था, तो मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर थोड़ा सा पिंकिश टोन में ले रही हूँ, पीच टोन में नहीं ले रही हूँ। और तकरीबन हमारा यहाँ पे बेस कंप्लीट हो गया। और लोअर साइड की फिंगर को थोड़ा सा आप इक्वल कर लें जहाँ पे डार्क सर्कल है, इसके बाद आप वहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर लें। कॉम्पैक्ट पाउडर सही से आपको लगाना है ताकि आपके जो बेस है प्राइमरी और सेकेंडरी बेस बना हुआ है वो लॉक हो जाए और जितना भी रिमेनिंग जो पाउडर रहेगा वो डस्ट आउट हो जाएगा। तो उसमें परेशान नहीं होने के आप कितने सारे लगा रहे हैं। यहाँ पे आप कोई से भी लूज़ पाउडर ले लें और आई के नीचे रख लें ताकि आप आई शेड लगाएं तो उसकी जो भी पार्टिकल्स अगर गिरे तो बहुत ईजली डस्ट आउट हो जाए। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा करके लगा ले रही हूँ ताकि आपका बेस भी फिनिशिंग से रहे। और यहाँ क्रिस्टीन का शेड नंबर 1 और 2 डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर मैंने लिया है, और पहले मैं इसे क्लीन आउट कर रही हूँ, आईब्रो को थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। इसके बाद मैं क्रायलोन का ब्राउन कलर लूँगी और इसके थ्रू मैं यहाँ पे शेड मतलब आप पूरी आईब्रो में बनाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट कलर हो जाता है। क्रिस्टीन का डार्क 1 चॉकलेट जो है डार्क चॉकलेट नंबर 1 और नंबर 2, तो ब्राइडल लुक में ये इतना खूबसूरत नहीं लगता। तो क्रायलोन का मैं थोड़ा सा लिक्विड करके इससे शेप दूँगी आईब्रो की। बस आपको याद रखना है कि यहाँ पे डार्क ब्लैक कलर आपको यूज़ नहीं करना है आईब्रो पे, वरना आपके मेकअप बहुत ज़्यादा हार्श लगेगा, आपका आईब्रो के साथ बहुत ही बुरे लगेगी, तो इसका ख्याल रखना है। और जो इन साइड पे जो लो जहाँ पे मैं ये ब्लेंडिंग कर रही हूँ, यहाँ पे आपकी ब्लेंडिंग बहुत हल्की हाथ में होनी चाहिए और आपका शेप स्क्वायर शेप में नहीं होना चाहिए, ऐसा लगे ये शेडिंग टाइप में। तो यहाँ पे छोटा सा ब्रश लेके मैं इसे शेप दे रही हूँ। फ्रेंड्स, मुझे आपसे आपका अपना ओपिनियन चाहिए कि फ़र्स्ट टाइम मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ मेकअप की, और इसमें जो आपसे शेयर कर रही हूँ तो ये आपको क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है तो मुझे लाजमी बताएं, या मुझे कोई चीज़ चेंजिंग करने की नीड है कि ये चीज़ें आपसे और ज़्यादा डीपली शेयर करूँ। लेफ़्ट आई का हो चुका है आईब्रो और अब राइट आई का मैं कर रही हूँ। अच्छा, तकरीबन मैं मोस्टली मैं ये करती हूँ कि लेफ़्ट आई का पहले मेकअप करती हूँ फिर राइट आई का मेकअप करती हूँ, और कंप्लीट नहीं करती हूँ, स्टेप बाय स्टेप करती हूँ। आप इस वीडियो में देख भी लेंगे किस तरह मैं करती हूँ। बस आईब्रो को कोशिश करें कि हार्श नहीं बनाएं, थोड़ा सॉफ्ट लुक दें, क्योंकि आईब्रो की वजह से आपका मेकअप में या तो आपका मेकअप सॉफ्ट लगेगा या तो आपका मेकअप हार्श लगेगा। मैंने एक वीडियो मैंने पहले बना के ट्राई किया कि कैमरा को एक जगह रख के, और लेकिन कैमरा बहुत ज़्यादा दूर हो जा रहा था, तो मैंने अपनी सिस्टर को अपने कैमरा होल्ड करवाया ताकि आप लोग क्लियर और बहुत नियर से देखें कि किस तरह मैं आई मेकअप कर रही हूँ, किस तरह मैं बेस बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं एक आई बेस यूज़ कर रही हूँ, आप कोई से भी लाइट गोल्डन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रायलोन का यूज़ कर रही हूँ, तो इससे आप पहले एक बेस बना लें आई बेस। आप यहाँ पे हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, एटीट्यूड के हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा और भी ब्रांड के हाइलाइटर हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वाइट गोल्ड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कंप्लीट बिल्कुल गोल्डन भी यूज़ नहीं कर रही, ना कंप्लीट आप सिल्वर यूज़ कर रही हूँ। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका ड्रेस किस कलर का है, कैसा है, और आप आई मेकअप किस तरह करना चाहते हैं, तो उस लिहाज से आप वो कलर चॉइस कर लें। तो आईब्रो के साइड पे थी वो मैं ब्रश के थ्रू इसे अप्लाई कर रही हूँ, बाकी मैं अपने फिंगर टिप के थ्रू अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ टू हूँ और ईजी फील करती हूँ, तो मैं फिंगर टिप ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो आप के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किससे बहुत ज़्यादा इजी फील करते हैं और किस चीज पे आप यूज़ टू हैं। तो फिंगर टिप के थ्रू पूरे आईलिड पे मैं ये अप्लाई कर लूँगी, इसके बाद मैं शेड जो यूज़ करूँगी वो गोल्डन शेड यूज़ करूँगी, क्योंकि आई मेकअप में गोल्डन कर रही हूँ, क्योंकि इनकी ड्रेस में गोल्डन थी।
तो यहाँ पे मैं काशी का पैलेट, मखमल पैलेट में यूज़ कर रही हूँ, उसमें से गोल्डन। आप कोई से भी गोल्डन कलर यूज़ कर सकते हैं, लाइट भी गोल्डन यूज़ कर सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करते हैं कि आपके ड्रेस का कलर कौन सा है और किस टाइप का आप मेकअप करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे फिंगर टिप के थ्रू मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, और साइड कॉर्नर जो मैं बनाऊँगी वो ब्रश के थ्रू बनाऊँगी। तकरीबन पूरे आईलेट के ऊपर मैं लगा रही हूँ, लेकिन आईब्रो के जो कॉर्नर साइड पे जो हाईलाइट है, जहाँ मैंने हाईलाइटर लगाया था फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे मैं अप्लाई नहीं करूँगी। और अगेन इसे दोबारा डार्क कर रही हूँ ताकि आपकी कलर बहुत अच्छा, यानी कि अच्छी पिगमेंट दें। अब मैं एक साइड कॉर्नर पे लगा रही हूँ। यहाँ पे डिपेंड करते हैं कि आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। ये मैट का है, काशी का पैलेट है, उसमें से मैं वाइट कलर चॉइस कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्लेड ब्रश। ब्लेड ब्रश के थ्रू मैं अप्लाई कर रही हूँ। और आप कोई एक ज़ीरो साइज़ का लाइनर ब्रश होता है, उस टाइप में भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा डार्क मैं यहाँ पर करूँगी, तो मैं यहाँ पर डस्ट पाउडर लेके थोड़ा सा इसे डार्क कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पास हाइलाइटर था, तो मैं इसे भी अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा आपका इन्हांस हो जाए इनर कॉर्नर। तो यहाँ पे मैं एक डस्ट पाउडर पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा डार्क लगे, क्योंकि हमें शूटिंग करनी थी, थोड़ा सा मेकअप डार्क करना था, तो आप इस तरह कर सकते हैं। और जो जो लोग मेकअप कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, और आपके जो काम है उसमें अल्लाह ताला बरकत दें। और यहाँ पर मैं काशी का मैट पैलेट है, ठीक है, मैट एंड मैजिक पैलेट है, उसी में से ही एक लाइट ब्राउन कलर शेड यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट जो कलर हम कहते हैं कि आप वहाँ पे पहले यूज़ करें, और इनके आईज़ को थोड़ा सा बिग करने के लिए मैं आउटसाइड पे लेके जा रही हूँ। मेन चीज़ फ्रेंड्स, आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। भले से भी आपके आई मेकअप में टाइम लग रहे हैं, आप टाइम लगाएं, लेकिन ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी आपके आई मेकअप, उतनी ही खूबसूरत लगेगा। तो लाइट ब्राउन कलर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी आई कॉर्नर पर डार्क ब्राउन। तो यहाँ पर थोड़ी सी डार्क ब्राउन मैं यूज़ कर रही हूँ, वही मैट एंड मैजिक पैलेट, काशी की मैट एंड मैजिक पैलेट ही यूज़ कर रही हूँ। लेकिन आप परेशान नहीं, आपके पास जो भी पैलेट है उसमें से आप कोई भी कलर लेके यूज़ कर सकते हैं। ग्लैमर के भी पैलेट बहुत अच्छे हैं, उसकी भी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब आई मेकअप में आई थिंक कुछ चीज़ें बताने की नहीं है, देखने की नीड है, तो आप ये देखें। और बैकअप में म्यूज़िक लगा रही हूँ, और इसके अलावा नेक्स्ट जब मैं आपके कॉन्टोर करूँगी तो वो आपसे वॉइस ओवर कर लूँगी, उसमें आपसे डिटेल समझा दूँगी कि किस तरह कॉन्टोर करना है। Thank you.
you.